जय माता दी, जय माँ कामाख्या। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए मनुष्य बहुत टोने टोटके करता है, परंतु कई बार वो टोने टोटके विधि विधान का पालन नहीं करने की वजह से वो टोने टोटके काम नहीं करते हैं। तो कोई भी टोना टोटका किया जाए, उस सब का एक विशेष नियम होता है, विशेष विधान होता है, किस दिन करना चाहिए, किस वार को करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, जिसको हम पंचांग बोलते हैं, पांच अंग। उन सबका ध्यान रख करके ही कोई भी टोना टोटका किया जाए लक्ष्मी प्राप्ति का, तो वह सफल होता है। ओम श्री रीम, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये महालक्ष्मी को प्राप्त करने का एक मंत्र है। ब्रह्म मुहूर्त में जो मनुष्य सूर्य उदय के बिल्कुल ठीक सूर्य उदय के एक घंटा पहले से इस मंत्र को जप करने लग जाता है, गूगल की धुनी देकर के, उसके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। उसका हाथ खुल जाएगा, बंधन होगा तो वह खुल जाएगा। टोना टोटका किया हुआ है लक्ष्मी जी का, तो वह सब खुल करके लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे ही लक्ष्मी जी के बहुत सारे टोटके हैं, जिसमें से हम आपको कुछ टोटके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला टोटका तो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में एक घंटा पहले, मतलब ठीक अपने घड़ी से देख लीजिए कि सूर्य उदय की पहली किरण अपने स्थान पर जहां पर आप रहते हो कितने समय पे होती है, उसके ठीक एक घंटा पहले से आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गाय का सूखा गोबर जला करके गूगल की धुनी देते हुए आपको ये मंत्र जप करना है। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये लगातार एक घंटे तक आपको जप करना है, और एक घंटे तक गूगल की धुनी उस गाय के सूखे गोबर को अग्नि प्रज्वलित कर ले, उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल पक जाए, आग बबूला हो जाए, उसके बाद उसमें गूगल का चूरा डाले, गूगल बारीक करके डाले, और ये मंत्र जप करते रहे तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। विशेष टोटका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा, चंद्र मां की पूजा करके भी आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र मंथन में से ही निकला है और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन में से ही निकली है, अतः इनको दोनों को भाई बहन कहा जाता है। तो आप यदि चंद्रमा की पूजा करते हैं तो भी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि वह लक्ष्मी जी के भाई हैं, शास्त्रों में बताया गया है। तो इसका टोटका यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले से बोला है कि आपको कोई भी टोटका करें नियम से करें, उसका नियम अवश्य पता कर लें और नियम के अनुसार ही करें, उसमें कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का टोटका यह है कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष, अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए हिंदू मेथोडोलॉजी के अनुसार कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। अब आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होंगे तो आपको यह मालूम ही नहीं कि पक्ष क्या होता है, कब शुक्ल पक्ष आता है, कब कृष्ण पक्ष आता है, अष्टमी तिथि क्या होती है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उन सब में तिथि के अनुसार चलते हैं। ये तो अभी हम वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद से हम अंग्रेजी महीनों के अनुसार चलने लगे हैं, अन्यथा पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वह सब तिथि के अनुसार ही चलते थे और तिथि के अनुसार ही कार्य करते थे। परंतु आज भी बहुत से मनुष्य हैं, 99% जो विवाह करते हैं वह तिथि के अनुसार विवाह करते हैं, अंग्रेजी महीनों के अनुसार विवाह नहीं करते हैं। तो टोटका यह है कि किसी भी महीने की अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सात्विक रूप से रह करके,
सात्विक रूप से रह करके, या सात्विक का मतलब यहां पर हो गया संयम पूर्वक रह करके, यानी कि मांस का सेवन नहीं करना है, मदिरा पान का सेवन नहीं करना है, स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना है, और क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, इन सब चीजों से जो दक्ष राक्षस है इन सब चीजों से दूर रहना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा राग द्वेष, ये 10 जो है राक्षस है, इन रस राक्षसों से दूर रहना है और उपवास रखना है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर के पूर्णिमा तक आपको चंद्रमा की पूजा करना है। शाम को जब चंद्रमा सूर्य उदय होने पर, चंद्रमा के उदय होने पर खीर का नैवेद्य लगाना है चंद्रमा को, और शाम को स्नान करने के बाद में धूप दीप से चंद्रदेव का पूजन करके उनको खीर अर्पित करें, और जो खीर अर्पित की जाती है यह केले के पत्ते पर करना चाहिए या चांदी के कटोरी में करना चाहिए, बाकी अन्य पर रखा गया नैवेद्य स्वीकार नहीं होगा। नैवेद्य यानी खीर जो भोग के लिए रखी गई है, जो खीर प्रस्तुत की गई है वह चंद्रदेव की स्तुति 21 बार बोलना है, चंद्रमा का मंत्र भी 21 बार आपको बोलना है, और यह क्रम जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपको यह कार्य करना है। पूर्णिमा के दिन तक इस प्रकार का व्रत रखें, और किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र का दान देना है। जो वस्त्र आप दान दे वह नया वस्त्र होना चाहिए, कोरा वस्त्र होना चाहिए, और जो वो उसको प्रयोग कर ले ऐसा वस्त्र देना है। कुर्ता पजामा टावेल कुछ भी दे, बनियान दे, परंतु वो सब सफेद देना है और वो उसको प्रयोग करे ऐसा देना है। और जो नैवेद्य चंद्रमा को पूजा के दौरान आप चढ़ाएंगे वही नैवेद्य आपको स्वयं को ग्रहण करना है पूजा के बाद में। बस उस नैवेद्य के अलावा आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, और ऐसा कार्य आप प्रति महीने जब भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक पूरे वर्ष में आपको यह साधना करना है। यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आपको निराहार रहना है, सिर्फ चंद्रमा देव को पूजा के दौरान चढ़ाई गई खीर ही आपको ग्रहण करना है, बाकी कुछ भी चीज आपको अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ग्रहण नहीं करना है। और यदि आपके पास कोई चंद्रमा का यंत्र हो तो चंद्र यंत्र की भी आप अवश्य से पूजा करें। यह टोटका उनके लिए लाभदायक है जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेसमैन के लिए ही यह टोटका है कि यदि उनका बिजनेस किसी प्रकार से बंद गया हो, कोई टोना टोटका हो गया हो, कोई काला जादू हो गया हो, बिजनेस का बंधन कर दिया गया हो, या फिर भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, तो यह टोना टोटका आप कर सकते हैं। और यह दुराचारी व्यक्ति को इस टोना टोटका बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब आपको आचरण भी अपना सही रखना है, पराई स्त्री का साथ सहवास संभोग नहीं करना है, अन्यथा आप कंगाल हो सकते हो, इस बात का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि अधिकतर मनुष्य चरित्रहीन होता है और अपनी स्त्री होते हुए दूसरी स्त्री के साथ में यदि वो शारीरिक संबंध बनाता है तो ये टोने टोटके काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें देवताओं की कृपा छिपी हुई होती है, तो चरित्रहीन व्यक्ति की ऊपर देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें, अपने घर परिवार की स्त्री को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, और
उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें। घर की जो लक्ष्मी होती है उसकी प्रसन्नता ही आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। तो ये टोटका अवश्य करें और अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाएं। पर पूरे 12 महीने आपको ये करना है। हर महीने में अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक आपको उपवास पर रहना है। जितना भोग आप खीर का चांदी की कटोरी में या केले के पत्ते पर चढ़ाएंगे वो ही आपको 8 दिन तक आपको लेना है। बाकी हर पूर्णिमा के दिन आपको एक सफेद कपड़े का दान अवश्य करना है, जो गरीब व्यक्ति उसको पहन ले। जय माता दी, जय मां का मक्खिया, इसको चंद्र तंत्र टोटका कहा जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः, यह चंद्रमा का मंत्र है। इस मंत्र को इन 8 दिन में अवश्य जप करना चाहिए। अष्टमी से लेके अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा, यानी कि 8 दिन तक आपको ये उपवास करना है। यदि ये कर सकें तो आप अवश्य करिए, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। परंतु नियम से रहें, संयम से रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन 10 राक्षसों से दूर रहें तो ही आपकी यह टोना टोटका सफल होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि लक्ष्मी जी को झूठ बोलने वाले मनुष्य बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। ओम सिम रिम सिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम। ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम। ओम श्रीम श्रीय नमः नमः श्रीय श्रीम ओम। ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः। इतने उच्च स्वर से आपको ये मंत्र जप करना है, गुप्त रूप से कुछ भी नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।